Hello friends, welcome back. Today we will talk about coral reef. और इस लेक्चर में हम बहुत ही सिंपलिसिटी से समझेंगे कि कोरल रीफ है क्या, ये कैसे बनती है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कोरल ब्लीचिंग क्या चीज़ है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली व्हाट इज कोरल रीफ. अगर हम डेफिनेशन के ऊपर जाएं, कोरल रीफ आर डाइवर्स अंडरवाटर इकोसिस्टम हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर सीक्रेटेड बाय कोरल्स. इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें एक पिक्चर देखनी पड़ेगी. तो ये वाली पिक्चर देखिए आप. यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, यूजेंथेले और कोरल पोलियप्स. इसमें क्या होता है कि कोरल पोलियप्स एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक लिविंग एनिमल्स होते हैं जिसके बीच में एल्गी रहती है जिसको यूजेंथेले बोलते हैं. इस दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइंडली हम कोरल रीफ कहते हैं. तो अगर हम देखें ये कैसे बनता है, फर्स्टली पोलियप्स टिनी एनिमल्स होते हैं जो ग्रो करते हैं, मरते हैं और वो अपना जो लाइमस्टोन स्केलेटन है वहाँ पे छोड़ जाते हैं. अभी जो लाइमस्टोन स्केलेटन होता है वो जैसे मान लीजिए कि 100 पोलियप्स मर जाते हैं और वो मर के 100 स्केलेटन हो गए. अभी वो लेयर बाय लेयर फॉर्म करते जाएंगे और एक बड़ी स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम कोरल बोलते हैं. अभी उस कोरल पे एक एल्गी रहती है जिसको जूजेंथेले बोलते हैं. ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है. अभी मैंने जैसे पहले बताया कि कोरल रीफ ये एक तरह का जॉइंट स्ट्रक्चर है कोरल पोलियप्स का, जूजेंथेले का. इन दोनों में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि दोनों स्पीशीज एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं. अभी हम देखते हैं कि ये एक दूसरे को कैसे बेनिफिट देते हैं. अभी जो जूजेंथेले है वो फोटोसिंथेसिस करके एक फिक्स कार्बन कंपाउंड जो कोरल को सप्लाई करता है, वो कार्बन कंपाउंड कोरल्स को एनर्जी सप्लाई करता है और कैल्सिफिकेशन बढ़ाता है. अभी हम बात करें जो होस्ट कोरल होता है कि वो क्या देता है उसको. जो होस्ट कोरल होता है वो जूजेंथेले को एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और ये उसको कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करता है जो वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता है. तो देखिए दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ. फर्स्टली 5 टाइप ऑफ कोरल रीफ होता है, फ्रिंजिंग रीफ, पैच रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल, बैंक और प्लेटफॉर्म रीफ. अभी हम बताते हैं कि कौन कौन सी रीफ कैसे होती है. फर्स्टली हम बात करते हैं फ्रिंजिंग रीफ की. ये कोस्ट लाइन के साथ में होती है. पैच रीफ, कहीं कहीं पैचेस अवेलेबल होते हैं, ये कंटिन्यूस नहीं होती है. अगर हम बात करें बैरियर रीफ की, ये पैरेलली रन करती है कोस्ट लाइन के साथ में. ये कोस्ट लाइन के बिल्कुल साथ में नहीं होता, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, इसमें बीच पानी होता है जिसको हम लैगून बोलते हैं. अगर हम बात करें एटॉल, एटॉल एक सेमी सर्कुलर सर्कल टाइप रीफ हो सकता है विद इन दी सी. और जो बैंक प्लेटफॉर्म रीफ होता है, बैंक और प्लेटफॉर्म रीफ होता है, ये क्या रीफ होता है. अब हम बात करें कि मान लो कि रीफ का जो प्रोडक्शन हो रहा है कोरल का, कोरल का लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन हो रहा है बट सी लेवल जो है उससे ज़्यादा रेट पे राइज कर रहा है, तो क्या होगा, वो रीफ वो अंडर वाटर सबमर्ज हो जाएगी. इसको बोलते हैं बैंक और प्लेटफॉर्म रीफ. आगे हम फर्दर मूव करें कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, ये कौन सी बला होती है जो हमें नहीं पता. अभी देखिए मैं पहले बताता हूँ कि जो कोरल पोलियप्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है. जो कलर होता है वो जूजेंथेले का होता है. अब जो कोरल पोलियप्स होते हैं ये लिविंग एनिमल्स होते हैं, जब भी इन पे ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो ये एल्गी को बाहर निकाल देते हैं. अगर एल्गी बाहर निकल जाएगी तो वो वाइट स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं. अभी इन पे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं. सबसे मेजर फैक्टर है टेम्परेचर. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इसी का, जो कोरल के साथ का पानी है. अभी जो कोरल पोलियप्स है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और एल्गी को वो एक्सपेल कर देते हैं, इससे कोरल ब्लीचिंग होता है. क्योंकि कोरल पोलियप्स इज़ वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर. अगर हम बात करें सेकेंड रीजन की, तो दैट सडन एक्सपोजर ऑफ कोरल रीफ टू द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू लो टाइड्स. अगर वो डायरेक्टली इंटरफेस में आ जाता है एटमोसफेयर से, क्योंकि पानी कम हो गया तो कोरल रीफ बाहर आ गई, इससे भी वो कोरल ब्लीचिंग होता है. और अगर हम थर्ड रीजन के बारे में बात करें, तो मान लीजिए कि जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम आ जाता है, उसकी प्रेसिपिटेशन से पोल्यूशन उसमें वाटर में इंक्लूड हो जाता है, सी वाटर में जहाँ हमें बाहर से जो हमारे नदियाँ आ रही हैं उससे पोल्यूटेंट वहाँ पर कोरल रीफ के सी में आ जाता है, तो वो पोल्यूटेंट है वो कोरल रीफ को ब्लीच कर देगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा कोरल के ऊपर. जैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूटेंट आ जाए, मान लीजिए कोरल रीफ है वहाँ पे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स आ गए,
तो वो कोरल जो है, जो कोरल पॉलीप्स हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे और एल्गी को वो एक्सपेल कर देंगे। फोर्थ रीज़न है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन आप सबको पता है, जैसे कि नाइट्रोजन का ज़्यादा एक्सेस हो जाए वाटर में तो एल्गल ब्लूम आ जाता है। तो मान लीजिए एक कोरल पे 100 एल्गी रहती है, अभी 100 की जगह 1000 हो गई, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कोरल पॉलीप स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिससे वो पूरी की पूरी एल्गी को एक्सपेल कर देते हैं। तो मेन रीज़न ये चार हैं कि जिससे कोरल ब्लीचिंग होता है। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में जिसको बताया है कि क्या कोरल होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे पॉलीप्स एंड ज़ूक्सैंथेले में बीच में जो एक म्यूचुअलिज्म होता है उससे कोरल रीफ बनता है, कैसे इसका ब्लीचिंग होता है। होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।